हेलो चिल्ड्रन चिल्ड्रन टुडे विल डू पोयम प्लांट अ सीड। सो टेक आउट योर इंग्लिश रीडर बुक एंड ओपन पेज नंबर 117। लेट्स स्टार्ट द पोयम प्लांट अ सीड। अब इन दिस पोयम द पोएट वांट्स अस टू वांट्स एवरीवन टू प्लांट अ सीड एंड टेक केयर ऑफ इट द वे ट्रीज टेक केयर ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो क्या कह रहा है कि हम सबको वी शुड प्लांट अ सीड और उसकी ट्री की वैसे ही देखभाल करनी चाहिए जैसे कि ट्री हमारी करता है। अब ट्री हमारी कैसे देखभाल करता है, टेल मी। यस, बाय गिविंग अस वुड, बाय गिविंग अस शेड, बाय गिविंग अस फ्रूट। तो वी शुड ऑल्सो टेक केयर ऑफ द ट्रीज। Plant a seed into the ground, stand back and watch it grow, watch it spread its wings of life, withstand the heat and snow. The poet is saying कि we should plant a seed. हमें seed plant करना चाहिए, ठीक है। उसको seed को plant करने के बाद हमें उसे grow करते हुए देखना चाहिए, मतलब उसे उसकी देखभाल करनी चाहिए, ठीक है, और धीरे धीरे उसे बढ़ते हुए देखना चाहिए। उस देखना चाहिए कि वैसे कैसे वो जिंदगी के पंख उसके उगते हैं, यानी वो कैसे ग्रो करता है, कैसे एक छोटे से अंकुर से कैसे बड़ा पौधा बनता है। सो वी शुड प्लांट अ सीड, वॉच इट लीव्स टर्न मैनी शेड, वॉच इट एंड विल सी दैट बाय एंड बाय योर सीड विल ग्रो एंड स्प्राउट इनटू अ ट्री। हमें प्लांट जब हम करते हैं सीड, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे उसमें क्या निकलता है, यस अंकुर, स्प्राउट, ठीक है। तो हमें प्लांट को, सीड को जब हम प्लांट करते हैं उसके बाद हमें उसे बढ़ते हुए देखना चाहिए, कैसे वो विभिन्न सीजन्स को, चाहे वो विभिन्न सीजन हो, ठीक है, डिफरेंट सीजन हो या वेदर हो, चाहे हीट है, स्नो है, कैसे वो खड़ा रहता है स्ट्रोंगली, कैसे वो डिफरेंट सीजन्स को, वेदर को फेस करता है, कैसे उसके लीव्स डिफरेंट शेड्स चेंज करते हैं, छोटे पे कैसे होते हैं उसके लीव्स, बड़ा होता है तो कैसे होते हैं, ठीक है। एक छोटे से स्प्राउट से वो धीरे धीरे एक सीड कैसे ग्रो करके एक बड़ा सा ट्री बन जाता है। इट्स रूट्स ग्रो डीप, इट्स शेड इज कूल, इट स्टैंड स्ट्रॉन्ग एज ईयर्स पास बाय, बट वन डे सून इट नोज इट मस्ट ग्रो ओल्ड वीदर एंड डाई। अब जब ये एक छोटे से अंकुर से बड़ा सा ट्री बन जाता है तो इसकी जड़ें भी क्या हो जाती हैं, अब जब छोटा सा बीज उगाते हैं धीरे धीरे वो बड़ा होता है, धीरे धीरे उसकी जड़ें भी डीप होती जाती हैं, ठीक है, और वो हमें क्या देता है बड़े होकर, छाया। यस, समर्स में इसके ट्री के नीचे खड़े हो जाओ तो शेड मिलती है ना, शेड क्या होती है, कूल होती है, और सालों साल ये ट्री ऐसे ही खड़ा रहता है स्ट्रांगली, हीट स्नो को फेस करता हुआ, डिफरेंट सीजन्स को फेस करता हुआ खड़ा रहता है स्ट्रोंगली, सालों साल गुजर जाते हैं और फिर एक दिन आता है जब वो यस बूढ़ा हो जाता है और वो मर जाता है। ट्रीज पास अवे, देयर रूट्स ड्राई अप, दे फुलफिल देयर लाइफ लॉन्ग डीड, बट इफ यू लुक आई एम श्योर यू विल फाइंड दे हैव लेफ्ट बिहाइंड द सी। ट्री सालों साल जो है खड़ा रहता है और हमें बहुत सारी चीजें देता रहता है और एक दिन जब वो बूढ़ा हो जाता है मर जाता है, लेकिन अपने पीछे क्या छोड़ के चला जाता है, दे लेफ्ट बिहाइंड अ सीड। यस, अगर आप देखोगे मरने के बाद भी पीछे क्या छोड़ के जाता है, सीड, और उसी सीड को हम प्लांट करते हैं फिर एक और ट्री बन जाता है। सो वी शुड प्लांट द सीड इनटू द ग्राउंड, स्टैंड बैक एंड वॉच इट ग्रो, वॉच इट स्प्रेड इट्स विंग्स ऑफ लाइफ, विदस्टैंड द हीट एंड स्नो, watch it leaves turn many shades, watch it and you'll see that by and by your seed of love has grown into a tree. So we should plant a tree, plant a seed, plant a tree, kyunki trees are important for us. Yes, trees hamare liye bahut zaruri hain, isliye hame trees ugana bahut zaruri hai. So beej bona bhi bahut zaruri hai, agar trees hi nahi honge to hamari life hi khatam ho jayegi, theek hai na। सो हमें ट्रीज की देखभाल वैसे ही करनी चाहिए जैसे वो हमारी करते हैं, और इस धरती को हमें हमेशा हरा भरा बनाए रखना है, ठीक है, और
लास्ट में भी वही पॉइंट वही कह रहा है कि प्लांट अ सीड इनटू द ग्राउंड, बीज उगाओ, प्लांट उगाओ और उसे धीरे धीरे बढ़ते हुए देखो जिंदगी। आप एक लाइफ अगर आप सीड उगाते हो ना तो यू विल सी अ लाइफ टू, आप देखोगे एक लाइफ कैसे ग्रो करती है ट्री के फेस में, ठीक है ना, ट्री के रूप में एक लाइफ कैसे ग्रो कर रही है। सो प्लांट अ सीड, सीड को प्लांट करो और उसे धीरे धीरे ये देखिए ग्रो करते हुए देखो, उसके लीव्स को चेंज होते हुए देखो, उसकी शेड्स को चेंज होते हुए देखो, ठीक है, धीरे धीरे देखो कि ये जो सीड है ये अगर आप इसको बड़े ही प्यार से लगाओगे, बड़े ही प्यार से इसकी देखभाल करोगे तो देखना कितने अच्छे हेल्दी ट्री में ये बदल जाता है एंड यू फील ऑल्सो वेरी वेरी गुड। सो और वैसे भी ट्रीज आर वेरी इम्पोर्टेंट, तो हमें जो है क्या करना चाहिए, यस वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, ठीक है ना, टू कीप आर अर्थ ग्रीन। सो दिस इज द पोयम अबाउट प्लांट अ सीड कि वी शुड ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज। क्लियर चिल्ड्रन?